काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि नशीले आइटम्स हम ट्रैवल करते समय ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, कि खाना है, पानी है, इनको छोड़कर जो हमारा सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखा है, शराब है। आज जो मैं इन्हीं 5 टॉपिक पे बात करने वाला हूँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। ट्रैवल करने से पहले जरूर देख लें, अगर नहीं देखेंगे तो हो सकता है आप भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और बिना रुके हम वीडियो स्टार्ट करता हूँ दोस्त। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं आपका दोस्त संदीप, आज फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फ्लाइट से आप ट्रैवल करते हैं तो क्या क्या आइटम्स हम अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। उस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किया है कि हम हुक्का अपने साथ ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, हम सिगरेट ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, और जो हमारा घर का खाना है वो ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, और हमारी जो पानी की बोतल है उसे हम साथ ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं। वो सब जानकारी आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। ये वीडियो खासकर मैंने इसके ही लिए बनाई है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। दोस्तों, अब वीडियो को ना ज़्यादा बढ़ाते हुए तो वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आज 5 चीज़ों पर बात करूंगा। आपका सिगरेट हुआ फर्स्ट, उसके बाद आपका हुक्का हुआ, हुक्का के बाद आपकी तम्बाकू हुई, तम्बाकू के बाद आपका आपका घर का पानी हुआ, पानी के बाद आपका जो खाना हुआ। इन 5 चीज़ों पे आज मैं बात करने वाला हूँ। इसमें ही आपको क्लियर कर दूंगा ये 5 चीज़ें आप साथ ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। तो ट्रैवल करने से पहले वीडियो को पहले ही देख लें कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को अब मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट में आपका जो मैं खाना की बात करता हूँ, जैसे आप घर का खाना है उसे आप ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि आपको जैसे कि खाना पैकिंग करते समय आप छोटा पार्सल बनाएं। हमारी एयरलाइंस हमें अलाउ करती हैं कि हम अपना घर का खाना ले जा सकते हैं, हाँ लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये बात आप जरूर ध्यान रख लें कि लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए हमारा जो खाना है, और पार्सल का विशेषकर ध्यान रखें, पार्सल को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटा सा पार्सल में हम खाना का रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ अब हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन हमारा पानी। सबका क्या रहता है कि हम पानी ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो एयरलाइंस की जो गाइडलाइंस हैं उसके तौर पर हमें लिक्विड ले जाना अलाउड नहीं है। ले जाना है तो 100 ml से पर बोतल पर हम ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हमें अलाउड है, परमिशन नहीं है। तो दोस्तों, मैं करना कि अगर आप पानी ले जाना चाहते हैं फ्लाइट के अंदर, तो जो आपकी चेकिंग के टाइम, आपकी जो एंट्री के टाइम आपकी चेकिंग होती है ना, उस समय अपनी जो खाली बोतल है उससे आप चेक करा लें, और जो खाली बोतल है वो आप अंदर लेके चले जाएं एयरपोर्ट पर। अब क्या रहता है दोस्तों, वहाँ पर पानी की जो भी व्यवस्था होती है वहाँ से आप पानी आराम से भर सकते हैं, पीने का पानी भी होता है वहाँ से, आराम से अपनी बोतल में पानी भर सकते हैं, उसके बाद आप फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं पानी के साथ। तो इस तरीके से दोस्तों आप पानी ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। अब तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा सिगरेट की। जैसे कि काफ़ी लोग पूछते ही हैं कि सिगरेट हम ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो एयरलाइंस की गाइडलाइंस है उसके थ्रू हम सिगरेट ले जाना एकदम पाबंदी है, सिगरेट हम ले ही नहीं जा सकते हैं। और हमारे जो नशीले जितने भी पदार्थ हैं, कोई भी एयरलाइंस हमें अथॉरिटी नहीं देती है कि हम ट्रैवल करते समय अपने साथ ले जाएं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी आप ट्रैवल करते समय आप नहीं ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप ले जाएंगे तो वहाँ पकड़े गए तो उसके बाद में आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि एक भाई ने पूछा था कि मैं हुक्का ले जा सकता हूँ कि नहीं। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप जैसे हुक्का ले ही क्यों जाएंगे, अगर आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भी तो हुक्का मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लीजिए, परिचित कर लीजिए, तो आप फ्लाइट में क्यों साथ ले जाएंगे। बेहतर यही रहेगा कि आप इन चीज़ों को मत लेके जाइए, अगर आप ले जाएंगे तो पकड़े गए तो काफ़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं दोस्तों। तो ये धूम्रपान आइटम है, जो भी नशीले आइटम्स हैं इनको ना ही ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। और आप वैसे तो आप ले नहीं जा सकते हैं, एयरलाइंस की गाइडलाइंस के हिसाब से आप नहीं ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपका हुक्का भी क्लियर होगा। अब मैं बात करूंगा आपका गुटखा, जो तम्बाकू रहता है, तो उससे भी हम नहीं ले जा सकते हैं दोस्तों। अब क्योंकि एयरलाइंस हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती हैं, जैसे कि हमने गुटखा खा लिया एयरपोर्ट पर थूक दिया तो वहाँ तो आपको जुर्माना भी हो सकता है दोस्तों। तो इन चीज़ों से हमें बचते हुए ट्रैवल करना है दोस्तों, इनमें हमें फंसना नहीं है। तो अगर हम अपनी जर्नी को सेफ बनाएं तो हमें ट्रैवल करने से पहले सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रखना चाहिए, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रैवल जब करें आपका सेफ ट्रैवल रहेगा। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।